हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली ना रात के कुछ 1:15 बज रहे हैं, या 1:02। तो हुआ क्या कि मैं आज आई थिंक वीडियो शूट कर रही हूँ कुछ 15-20 दिन के बाद। मेरी पहली जो वीडियो, प्रीवियस वीडियो जो थी, वो मैं एडिट कर करके डाल रही थी। लाइक एक दो वीडियो मैंने डाली थी, अपलोड की थी। बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है एंड आई वॉज लाइक मिसिंग माई वर्क। एक्चुअली मेरे घर में बहुत सारा काम चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, और मेरा बेटा बीमार हो गया बीच में, एंड यू नो हाई फीवर होने लग गया। आजकल वायरल फीवर बहुत ज़्यादा हुआ है बच्चों में। तो एक तो ये मैं बहुत बिजी थी, और बाय द वे ये एक हॉल वीडियो है, ये कोई कहानी टाइप वीडियो नहीं है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यू नो सिफोरा का हॉल, टीरा का हॉल, नायका का ऑफ कोर्स हॉल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हुए थे ऑलरेडी, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बिजी हो जाऊँगी कि मैं लिटरली मतलब नार्स इंडिया में लॉन्च हो चुका है सेफोरा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर, और मैंने आई गेस फर्स्ट डे पे ही ऑर्डर प्लेस कर दिया था, सॉरी, और तीसरे दिन में मेरे को प्रोडक्ट्स मिल गए थे, ठीक है। और अभी तक मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी के सभी प्रोडक्ट्स मैंने खोल के भी नहीं देखे। लाइक लिटरली आई गेस 10 दिन तो आराम से हो चुके हैं। तो मैं अंदर ही अंदर ना मेरे दिल में और मेरे दिमाग में प्रेशर बन रहा था कि मुझे काम करना है, मुझे कॉन्टेंट शूट करना है, और मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स, ढेर सारे जो प्रोडक्ट्स परचेज किए उनको मैं कब यूज़ करूँगी, कब आप लोग साथ शेयर करूँगी। यूज़ करने का तो नहीं हो पा रहा था, सो आई थॉट कि मैं फटाफट से एक हॉल वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज की। लाइक यू कैन सी के ब्यूटी का लिप टिंट्स उन्होंने निकाले हैं, लिप टिंट या तो ये मैंने परचेज किया था न्यूली, एंड एक्वालॉजिका का रेडियंस प्लस लश स्ट्रोब क्रीम मैंने परचेज की थी, जो मैंने आज यूज़ भी की है। सो चलो हॉल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस प्रोडक्ट जो मेरे सामने ही पड़ा हुआ है। इसकी आउटर बॉक्स पैकेजिंग कुछ इस तरह की दिखती है, यू कैन सी, ठीक है। ये एक्वालॉजिका का दिस इज रेडियंस प्लस लश स्ट्रोब क्रीम, इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च की है। आई गेस जिस दिन लॉन्च की थी मैंने उसी दिन इसको परचेज कर लिया था। वाटरमेलन एंड नायसिनामाइड इल्यूमिनेट प्लस हाइड्रेट, यूनिक वाटर लॉक टेक्नोलॉजी, पिंक ग्लो। अच्छा, इसको मैंने यूज़ किया, इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक अ स्ट्रोब क्रीम, इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल वेरी सटल हाई लाइटिंग मॉइस्चराइजर। या दैट ऑल आई कैन से अबाउट दिस प्रोडक्ट, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा हाई लाइटिंग वाला यू नो इफेक्ट नहीं है। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने डॉट एंड की स्ट्रोब क्रीम का भी रिव्यू आप लोगों से शेयर किया था। अभी आई गेस पड़ी होगी यहाँ पे, नो ओके, तो इधर उधर कहीं पे पड़ी होगी। सो मैंने डॉट एंड की भी यूज़ की थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मुझे कुछ खास नहीं लगी थी। लाइक मतलब बुरी नहीं लगी थी, बट नॉट लाइक एज अ स्ट्रोब क्रीम, ठीक है। तो अगेन इसके साथ भी यही है कि ये इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्यूब पैकेजिंग बहुत ब्यूटीफुल है, पिंक एंड ब्लू कलर में, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, यू कैन सी। दिस इज़ अ वेरी सटल हाई लाइटिंग मॉइस्चराइजर, लेट मी शो यू, सी। और ये एक मैटिफाइंग सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट है, इट्स नॉट दैट हाईलाइटिंग ऑन द स्किन, यू कैन सी। अभी हाथ के ऊपर तो आपको लिटरली थोड़ा सा डिफरेंस पता चल रहा है, बट जब मैंने इसको स्किन के ऊपर, यू कैन सी, जब आप इसको अप्लाई करते हो ना, इट्स नॉट दैट शाइनी और दैट हाईलाइटिंग। इफ़ यू लाइक दीज काइंड ऑफ हाईलाइटिंग स्ट्रोब क्रीम्स जो आपको डेली बेसिस के ऊपर यूज़ करनी है, देन आई वुड से दिस इज़ द परफेक्ट चॉइस और ऑप्शन। 599 इसकी MRP है। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, या यू कैन सी, अभी एकदम लिटरली ये मैट हो चुकी है मेरी स्किन। सो इफ़ यू हैव वेरी वेरी ऑयली स्किन तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो, बिकॉज यूजली समटाइम्स स्ट्रोब क्रीम्स जो होती हैं कई बार थोड़ी सी स्लाइटली हैवी होती हैं, और कई बार थोड़ी ज़्यादा यू नो ऑयली या ग्रीजी लगती हैं ज़्यादा ऑयली स्किन वालों के ऊपर। तो उस केस में आई थिंक आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। इफ़ यू हैव वेरी वेरी ऑयली स्किन, यू कैन सी, लिटरली बिल्कुल मेरी स्किन मैट हो चुकी है, यू कैन सी, सी। तो हल्का सा हाईलाइटिंग इफेक्ट भी है और मैटिफाइंग भी है, आई थिंक बेस्ट फॉर ऑयली स्किन पर्सन, या ओके जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लैक्मे का जो स्किन टिंट मैंने आज अप्लाई किया हुआ है, यू कैन सी, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। लैक्मे का जो एब्सोल्यूट 9 to 5 वाला प्राइमर प्लस मैट फाउंडेशन आता है, वैसे ही इसकी पैकेजिंग है, बट ब्लैक कलर में, वो रोज गोल्ड कलर में आती है, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। एक्चुअली ये एक ग्लिटर आर्टी जो इन्होंने यू नो रेंज निकाली थी ना लैक्मे फैशन वीक पे, तो उसमें से एक प्रोडक्ट है, ये बेस प्रोडक्ट है लैक्मे स्किन टिंट।
आई होप आप लोगों को मेरा गले की आवाज़ जो है वो इरिटेट ना कर रही हो। ग्लिटर आर्टी, यू कैन सी यहाँ पे ग्लिटरी ग्लिटरी से ऐसी पैकेजिंग भी है, एंड ल्यूमिनस स्किन टिंट। जैसे कि आजकल स्किन टिंट्स बहुत ही ज़्यादा वायरल है, सब लोगों को स्किन टिंट्स लगाना अच्छा लग रहा है और काफ़ी कन्वीनियंट है। सो ये भी एक स्किन टिंट है विद डोफुट एप्लीकेटर। यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड दिस इज योर स्किन टिंट। यू कैन सी ये एक लिक्विड हाइलाइटर है मिक्स्ड विद योर फाउंडेशन, ठीक है। सो दैट्स दैट। सी आई गेस ये एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, यू नो सी, अच्छा एक चीज़ आपको बताऊँ, इसमें ना शेड्स भी हैं और मुझे ना कहीं ये काफ़ी सिमिलर लगा एल्फ का जो है, हेलो एल्फ का लिक्विड फिल्टर है ना, एल्फ का या शार्लेट टिल्बरी का। आप लोगों को यहाँ पे पिक्चर डाल दूंगी बिकॉज अभी मेरे पास पड़ा नहीं है दोनों में से कुछ भी। सो एल्फ का एक तो आता है हेलो ग्लो लिक्विड फिल्टर और शार्लेट टिल्बरी का आता है, ठीक है। सो ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है उसके साथ। इट्स नॉट लाइक द एग्जैक्ट ट्यूब बट इट्स लाइक क्लोजेस्ट ट्यूब, क्लोजर या क्लोजेस्ट ट्यूब या। सो ल्यूमिनस कंटेंट, इट गिव्स यू वेरी नाइस वेरी नेचुरल सॉर्ट ऑफ कवरेज, वेरी नेचुरल सॉर्ट ऑफ फिनिश, बट अच्छा है डेली बेसिस के लिए भी और ओकेजनली भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। कैन सी आज मैंने यूज़ किया हुआ है। हल्का सा इसमें क्या है, अभी आपको कैमरा के ऊपर नहीं दिख रहा बट एक्चुअल में लाइक रियल लाइफ में थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा कि मेरी स्किन को ये डल बना रहा था बिकॉज मेरे ना अराउंड माई माउथ आई हैव पिगमेंटेशन। तो पिगमेंटेशन को कलर करेक्शन करना या थोड़ा सा कंसल आउट करना कंसीलर के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो या तो बाकी अच्छा लगा मुझे ये, प्राइस पॉइंट भी इसका ठीक है। लैक्मे के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वैसे भी बहुत सारे लोगों को 875, बट मैंने इसको डिस्काउंट के ऊपर परचेज किया था ऑफकोर्स। मेरा जो शेड है ना इसमें, लेट मी टेल यू माय शेड, कूल वॉलनट। कूल वॉलनट इज माय एग्जैक्ट शेड। दिस हैज लॉट ऑफ फ्रेग्रेंस एज वेल, जो कि बिल्कुल इसकी जो एक आती है ना लैक्मे की एक रेंज है उसमें से ही आती है, लाइक लैक्मे की जो बेसिक फ्रेग्रेंस है बिल्कुल वैसी ही है। लेट्स मूव ऑन टू दिस प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम के ब्यूटी। दिस इज लिप टिंट इन्फ्यूज्ड विद ग्रेप सीड ऑयल प्लस रेड रास्पबेरी, एंड मैंने इसमें शेड लिया है लश, यू कैन सी। एंड इसको मैंने ना लिप आपको यहाँ पे डाल दूंगी, मैंने लगाया था, मैंने इसको ऑफ कैमरा भी बहुत बार अप्लाई कर लिया है। इसको मैंने फर्स्ट डे पे परचेज कर लिया था, फर्स्ट डे पे गाइस 5% या 10% डिस्काउंट था। अभी इसके ऊपर कोई डिस्काउंट मुझे नहीं दिखा। इसका काफ़ी यूनिक सा एप्लीकेटर है, हार्ट बना हुआ है छोटा सा, एंड दिस इज द शेड लश, यू कैन सी, ठीक है। ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग लिप टिंट नहीं है, मैंने इसको अप्लाई किया है, मैंने खाना वाना खाया है, बट हाँ एक हल्का सा स्टेन छोड़ के जाता है। बट इट्स यू नो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑप्शन फॉर विंटर सीजन बिकॉज दिस हैज ग्रेप सीड ऑयल एंड रेड रास्पबेरी, तो काफ़ी हाइड्रेटिंग है। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू स्किप योर लिप बाम्स ताकि बहुत ज़्यादा स्टिकी हैवी ना लगे, तो आई थिंक दिस इज़ ग्रेट ऑप्शन क्योंकि इट्स नॉट वेरी हैवी और स्टिकी। मुझे बहुत हैवी स्टिकी मैं लिप बाम्स नहीं अप्लाई कर सकती हूँ डे टाइम पे, एंड इट्स टिंटेड एंड लिप ऑयल है, लिप टिंट है, टिंट भी छोड़ के जाता है हल्का फुल्का। सो अच्छा है, इट्स नॉट दैट इट विल नॉट गिव यू दैट ओपेक यू नो पिगमेंटेशन जो कुछ लिप टिंट्स में होती है, बट दिस इज सच अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट फ्रॉम के ब्यूटी। के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स यूजली बहुत ही अच्छे, इसका प्राइस पॉइंट काफ़ी ज़्यादा मुझे, अब ऑफकोर्स के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, बहुत सस्ते भी नहीं होते हैं, मतलब मिड रेंज में आते, 800 something में मुझे ये मिला। ओके जी, उसके बाद ना मैंने शीट मास्क परचेज किए हैं। ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे शीट मास्क पड़े भी हुए हैं बट स्टिल मुझे पता नहीं शीट मास्क इकट्ठे करने का क्या ही क्रेज़ है। तो मैंने ये टोनी मोली के शीट मास्क लिए हैं, बाय 5 get 5 के ऊपर, या फिर कुछ डिस्काउंट था लाइक 50% ऑफ में जो मिला। सो दो तीन तो पीछे की तरफ पड़े हैं, बाकी मैंने एक क्यूकम्बर वाला लिया था, एक मैंने लिया है ये पाइनएप्पल मास्क शीट, यू कैन सी, ठीक है। और ये वाला थोड़ा महंगा था, आई थिंक ये 100 rupees का मिला, प्योरनेस 100% कोलाजन मास्क शीट, यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है। तो ये शीट मास्क मैंने टोनी मोली से परचेज किए। सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों में शीट मास्क वैसे भी यूजली ज़्यादा यूज़ हो ही जाते हैं। एंड फ्रेश टू गो ग्रेप मास्क,
ग्रेप है, पाइनएप्पल है, कोक्यूम्बर मैंने लिया, लेमन वाला लिया, पॉमिग्रेनेट लिया. सो अदर अदर डिफरेंट डिफरेंट वेरियंट में आई थिंक 10 शीट मास्क मैंने परचेज किए बाई 5 get 5 पे. ओके सो फिर मैंने नायका से ये 2 नेल पेंट्स लिए हैं. वैसे तो यूजली मैं हाथों पे नेल पेंट्स नहीं लगाती बट पैरों के लिए लिए हैं. एंड यू कैन सी ये 2 शेड्स हैं, काफ़ी बेसिक से शेड हैं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट शेड्स नहीं है. फजी सॉक्स विच इज़ अ वेरी न्यूड शेड, काफ़ी ब्यूटिफुल शेड है ये. एंड उसके बाद मैंने लिया है ये शेड ड्रिपिंग गोल्ड. आई थिंक ये रिसेंटली उन्होंने यू नो ऐड किए हैं नेल पेंट्स ने. सो यू कैन सी ये एक काफ़ी मेटेलिक सा नेल पेंट है. ओके सो फिर मैंने लिया है ये इनसाइट का न्यूली लॉन्च लिक्विड ब्लश, सुपर स्टे नट जेली क्रीम ब्लश, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड. यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आई जस्ट लव दिस ब्लश. आज मैं इसी को पहना हुआ है, यू कैन सी एकदम यू नो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग ब्लश है और थोड़ा मैटिफाइंग है, बट इट्स नॉट दैट मैटिफाइंग, इट्स लाइक ल्यूमिनस मैट. या काफ़ी एक्सपेंसिव फील देता है ये वाला लिक्विड ब्लश. यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस. या इसकी MRP 190 rupees है ओनली, और आपको इसके ऊपर भी डिस्काउंट मिल जाएगा. इनसाइड के प्रोडक्ट्स के ऊपर यूजली काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चलता ही रहता है. एंड यू कैन सी दिस लुक्स वेरी टाइनी, बट इतना सा मतलब लिटरली पी साइज से भी आधा अमाउंट इस प्रोडक्ट का आपको यूज़ करना होता है. एंड ये इतने अच्छे से यू नो ब्लेंड हो जाता है, फिंगर्स के साथ भी ब्लेंड हो जाता है. आई जस्ट लव दिस शेड पर्टिकुलरली. मेरे पास यही शेड है नट जेली, या नट जेली ही शेड है ये, और काफ़ी ब्यूटिफुल ये ब्लश है. यू कैन सी द ट्यूब पैकेजिंग, क्यूट ट्यूब पैकेजिंग. एंड 10 grams प्रोडक्ट काफ़ी है, काफ़ी लंबे समय तक चल जाएगा. एंड लेट मी शो यू, ये ना एक डस्की स्किन के लिए ये वाला शेड काफ़ी अच्छा चलेगा. सी ब्यूटिफुल शेड, ब्यूटिफुल. आई जस्ट लव दिस शेड. यू कैन सी यू नो इफ यू रियली वॉन्ट टू क्रिएट दैट सन किस्ड लुक, तो ब्रॉन्जर को आप स्किप कर सकते हो. एंड इफ यू हैव दैट यू नो इफ यू हैव डस्की स्किन टोन जैसी मेरी है, तो आप ये वाला शेड ट्राई करना, नटी कुछ शेड, नट जेली, नट जेली. ओके फिर मैंने ना रहने के ये छोटे वाले परफ्यूम ट्राई किए हैं. या लेट मी शो यू. या यू कैन सी ये ट्रेवल साइज इनके परफ्यूम्स हैं, ट्रेवल साइज काफ़ी छोटे छोटे साइज में. ऊड इस्पायर, ऊड इस्पायर, ऊद इस्पायर या रेड नॉयर, ये 2 शेड्स, 2 फ्रेग्रेंस मैंने परचेज की हैं, 2 अलग अलग परफ्यूम्स. यू कैन सी लाइक एज अ टेस्टर, ताकि अगर मुझे अच्छे लगे तो मैं इनके बड़े भी परचेज करूँगी. बड़ा साइज भी काफ़ी महंगा नहीं था, काफ़ी अफोर्डेबल था. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, दिस इज रेड नॉयर. एंड इनको मैंने पहना भी है. इट अगेन रहने के ना काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स नहीं हैं, हाँ, बट ये काफ़ी इंटेंस फ्रेग्रेंसेस है, लाइक मेन फ्रेग्रेंस जैसे होती है ना, हाँ, रेड नॉयर, ब्यूटीफुल रोमांटिक फ्रेग्रेंस. बस इतना ही बता सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं मैं बता सकती, क्योंकि फ्रेग्रेंस को मुझे ज़्यादा वो करना नहीं आएगा एक्सप्लेन. बाकी इनके नोट्स जो होते हैं वेबसाइट के ऊपर या नायका की ऐप के ऊपर भी इनके नोट्स, लाइक बेस नोट्स, टॉप नोट्स, मिड नोट्स जो होते हैं वहाँ पे मेंशन किए होते हैं. उसके बाद है ये ऊद इस्पायर, ठीक है, अगेन यू कैन सी. और ये कुछ छोटा वाला जो था 299 समथिंग का मैंने लिया, सस्ता ही था, कोई ज़्यादा महंगा नहीं था. या 199 ओनली, या 299 नहीं, 199 का. एंड लेट मी सी, हाँ, ऊद इस्पायर, दोनों ही काफ़ी अच्छे लगे मुझे, लाइक मेरे हस्बैंड को दोनों ही काफ़ी पसंद आएंगे. मैं इनका बड़ा वाला साइज़ मंगवाने वाली हूँ डेफिनेटली. अभी दिवाली सेल शुरू होने वाली है नायका के ऊपर, तो काफ़ी सारी सेल्स वैसे भी अभी आने वाली हैं. तो रहने के ये दोनों परफ्यूम्स मुझे काफ़ी मतलब काफ़ी बेटर लगे. जो इनके वायरल परफ्यूम्स हैं ना वो वाले, एक ब्लू कलर की पैकिंग में था, एक पिंक कलर की, उन दोनों से तो काफ़ी बेटर है ये दोनों. उनसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है और उनसे ज़्यादा फ्रेग्रेंस भी मुझे अच्छी लगी, इंटेंस लगी. ओके फिर मैंने नायका से ये काजल लिया है, क्रीम काजल. मैं यूजली काजल, ब्लैक काजल नहीं पहनती हूँ, और मेरा रिमेल लंडन वाला जो है, लेट मी शो यू, वो मतलब अभी ख़त्म होने वाला है,
और मुझे वो वाला दोबारा से दिख भी नहीं रहा था स्टॉक में काफ़ी टाइम से, यू नो, मैं इसको परचेज करना चाहती थी। ये रिमल लंडन का, मैं सिर्फ यही वाला लगाती हूँ यूजली भी और ट्रेडिशनल मेकअप के साथ स्पेशली। सी ये वाला मेरा काफ़ी जल्दी ख़त्म होने वाला है। सी दिस इज़ नॉट वाइट, दिस इज़ लाइक अ क्रीम न्यूड काजल जो काफ़ी अच्छा लगता है मेरी आँखों में और काफ़ी बड़ा बड़ा सा दिखाता है। फिर मेरे को कोई और नहीं मिला अफोर्डेबल में तो मैंने ये मार्स का यू नो परचेज कर लिया। यू कैन सी दिस इज़ मार्स का काजल, सैंड ड्यून्स इसका नाम है। एंड लेट मी शो यू, अभी मैंने इसको ओपन नहीं किया। ओके आई थिंक ये शॉप करना पड़ेगा इसको। ओ इट वाज सो क्रीमी, ये रिमल वाले से भी ज़्यादा क्रीमी था, शेड ऑलमोस्ट सेम ही है। और आप लोग भी मेरे से बहुत बार पूछते हो कि दी वो काजल नहीं मिल रहा रिमल का, सो गाइज यू कैन परचेज मार्स वाला। ठीक है, अगर आपको रिमल वाला नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली मार्स वाला ले लो, बट काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है, मैंने तो ज़बरदस्ती वाला चला दिया। तो पैकेजिंग कितनी ब्यूटिफुल है इसकी और काफ़ी अफोर्डेबल भी है, रिमल से भी ज़्यादा अफोर्डेबल था ये। 299 इसकी MRP है। अगेन मार्स अफोर्डेबल ब्रांड है, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के ऊपर मिल जाते हैं मार्स के प्रोडक्ट्स। ओके जी, अभी मेरे को एक चीज़ दिखी जो मैंने अभी अप्लाई की हुई है और ये काफ़ी डिस्काउंट के ऊपर मुझे मिली। सो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पैट मैकग्राथ लैब्स। ठीक है, तो काफ़ी लंबा नाम है इसका। मैंने इसका फाउंडेशन भी ट्राई करना था बट फाउंडेशन आई वॉज़ नॉट रेडी कि मैं इतना पैसा उसमें डालूँ, 5000 समथिंग प्लस का ही फाउंडेशन था। बट ये वाला शेड जो पर्टिकुलर लिपस्टिक का था काफ़ी डिस्काउंट के ऊपर था, सो आई थॉट चलो इसी को परचेज कर लेते हैं। और ये था शेड फ्लैश 3। यू कैन सी राइट नाउ आई एम वेयरिंग दिस शेड, यू कैन सी दिस इज़ अ ब्यूटिफुल यू नो रेडिश मरून लिपस्टिक लिप शेड, बट ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, यू नो सी, बट दिस इज सो कंफर्टेबल एंड इट्स लॉन्ग वेयरिंग लिपस्टिक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर ये ट्रांसफर हो रही है तो बहुत जल्दी से निकल जाती है, इट स्टेज ऑन योर लिप्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एंड ऑफकोर्स इट्स वेरी कंफर्टेबल। हल्की फुल्की लाइक एक दो बार के बाद थोड़ा कम ट्रांसफर होती है, बट इट डज ट्रांसफर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर प्रूफ है, बट दिस इज सच अ ब्यूटिफुल शेड एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है, उसके बाद मैंने ये लिया है मिस क्लेयर की मैट पावर लिप कलर, ये डिस्काउंट के ऊपर थी। ठीक है, तो इस वजह से मैंने परचेज कर लिया एंड दिस इज अ न्यूड शेड स्वीट टॉक 03। ठीक है, एंड लेट मी शो यू द शेड। इसको ये मुझे वॉश ऑफ करती है तो इसको ना मैं लिप लाइनर के साथ अप्लाई कर सकती हूँ। यू कैन सी हल्का सा वॉश ऑफ करती है, बहुत ज़्यादा नहीं, लाइक विद मेकअप तो चल जाएगा, विदाउट मेकअप हल्का सा मुझे लिप लाइनर इसके साथ यूज़ करना पड़ता है। और मेरी ये फेवरेट यू नो लिक्विड लिपस्टिक है मैट पावर मिस क्लेयर की। इसके बहुत सारे शेड्स हैं मेरे पास ऑलरेडी, बट दिस इज सच अ ब्यूटिफुल पिंक न्यूड शेड। के बाद है एक शावर जेल। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं नायका से परचेजिंग करूँ कोई शावर जेल ना परचेज करूँ, सो मैंने अगेन रीपरचेज की है डिफरेंट वेरिएंट में। इसका मैंने ऑलरेडी मैंगो राइस मिल्क वेरिएंट यूज़ करके देखा हुआ है, मेरा फेवरेट है वो, निविया की रिफ्रेशिंग शावर फ्रेश ब्लेंड्स रेसबेरी ब्लूबेरी आलमंड मिल्क, उसमें राइस मिल्क था विद मैंगो एंड इसमें ये वाले है रेसबेरी ब्लूबेरी आलमंड मिल्क एंड दिस स्मेल सो डिलीशियस। मतलब बस ऐसे लगता है जैसे हम बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम्स खा रहे हैं, यही फ्रेग्रेंस वाली, यही फ्लेवर वाली। सो ये वाली मेरी फेवरेट है और सर्दियों में बिकॉज थोड़ी ड्राई हो जाती है स्किन तो इसमें इट हैज़ आलमंड मिल्क तो थोड़ा हाइड्रेटिंग भी है। जो मैंगो वाली मैंने यूज़ किया था शावर जेल वो भी काफ़ी हाइड्रेटिंग था, उसके साथ भी बिल्कुल मेरी स्किन ड्राई नहीं होती थी। ओके जी, उसके बाद क्योंकि अभी सर्दियाँ आ गई हैं मेकअप रिमूव करने के लिए, यू नो मेकअप को पोर्स को अच्छे से निकालने के लिए एक बहुत ही दमदार प्रोडक्ट होना चाहिए, सो मैंने इस बार परचेज किया ये क्लिनिक का टेक द डे ऑफ चारकोल क्लेंजिंग बाम। ठीक है, इसके पहले भी मेरे पास क्लिनिक का ये क्लेंजिंग बाम है लेकिन ट्रेबल साइज में भी अच्छे हैं, मेरे पास ऑयल्स भी हैं और बाय द वे एक ऑयल भी मैंने परचेज किया जो टीरा से परचेज किया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी मेकअप ऑयल। बट आई रियली वॉन्टेड यू नो एक थिक
क्रीमी ऐसा बामी सॉर्ट ऑफ टेक्सचर कंसिस्टेंसी जो अच्छे से मेरे आईज के ऊपर जो भी मेकअप है सब चीज़ों को अच्छे से रिमूव करें. सो या दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सच अ यू नो पैसा वसूल प्रोडक्ट क्योंकि काफ़ी अच्छे से मेकअप को रिमूव करता है और ये चारकोल वाला स्पेशली मुझे ट्राई करना था तो इस वजह से मैंने परचेज कर लिया बड़े वाले टब में. यू कैन सी कितना बड़ा टब है इसका. दिस हैज 125 ml प्रोडक्ट की क्वांटिटी एंड टेक द डे ऑफ चारकोल क्लेंजिंग बाम. या चारकोल है तो काफ़ी अच्छे से प्यूरिफाई करता है, यू नो खींच लेता है जितना भी होता है. ओके जी, उसके बाद आई हैव दिस थिंग विद मी. अच्छा, पीछे अगर आप निगाह आपकी जाएगी पीछे की तरफ तो मेरे कैबिनेट के ऊपर ऐसे करके मैंने सजाए हुए हैं अपने जिंगम बाथ एंड बॉडी वर्क्स के जो बॉडी मिस्ट है, ठीक है, तो फ्रेग्रेंस मिस्ट. तो इस बार ना मैंने जिंगम का ये वाला वेरिएंट लिया है. मेरे पास ऑलरेडी जिंगम के दो वेरिएंट्स, एक तो जिंगम का ओरिजिनल जिंगम, फिर लव वाला जो वेरिएंट है उसका वो वाला. अब इस बार मैंने परचेज किया ये वाला जिंगम वाइब्रेंट, वाइब्रेंट जिंगम. यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ठीक है, सो इसकी जो सबसे अच्छी मुझे जिंगम की फ्रेग्रेंस अगर लगी ना ओरिजिनल से ज़्यादा, लव वाले वेरिएंट से ज़्यादा, वाइब्रेंट वाली, ठीक है, इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना इट्स स्वीट बट दिस हैज़ दैट यू नो स्ट्रॉन्ग पंच. एक सिट्रिसी नोट है इसमें, ठीक है, सरल भाषा में समझाऊँ तो, जो कि आपको हिट नहीं करता. इफ़ यू डोंट लाइक दैट स्वीट फ्रेग्रेंसेज, मुझे इतनी ज़्यादा स्वीट फ्रेग्रेंसेज नहीं अच्छी लगती. सो या इसमें जो है ना ये वाइब्रेंट या वाइब्रेंस जो है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी. अच्छा, ये 2099 इसकी MRP है बट 1499 में मैंने इसको परचेज किया, कुछ ज़्यादा डिस्काउंट नहीं था इसके ऊपर. यूजली बाय वन गेट वन होता है या 50% ऑफ के ऊपर, बट मुझे ये ट्राई करना था. आई थॉट ये स्टॉक में रहे उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए. आई जस्ट लव दिस फ्रेग्रेंस. मुझे ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स की सबसे सबसे अच्छी लगी ये वाली. मेरे पास 7-8 फ्रेग्रेंसेज है डिफरेंट डिफरेंट, अगर आप लोगों को अलग से रिव्यू देखना है, इफ़ यू रियली वांट, इफ़ यू रियली इंटरेस्टेड तो आप मेरे को बताना. आई हैव दिस लूफा लेफ्ट फ्रॉम नायका. ये मुझे नायका निविया के साथ मिला था, निविया के शावर जेल के साथ. या आई डोंट यूज़ दिस, मैं तो ऑर्गेनिक वाली यूज़ करती हूँ, ये हस्बैंड को दे दूँगी, वो इसी को यूज़ करते हैं. उसके बाद है लास्टली मेरे पास डव के और प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर किए हुए थे लेकिन वो काफ़ी डिले हो रही है डिलीवरी. आई गेस फेस्टिवल्स की वजह से ऑर्डर ज़्यादा होंगे नायका के पास. तो मैंने ना ये डव के डीप मॉइस्चर मेरिकल हेयर मास्क परचेज किए. गलती से मैंने दो कर लिए, करना मुझे एक था, बट ये मैंने ना रेव करते हुए सुना था मालविका सतलानी को. मेरे बाल इस टाइम पे बहुत ड्राई हो रहे हैं, यू कैन सी, ठीक है. तो उन्होंने बोला कि इतने सिल्की हो गए उनके बाल इसको यूज़ करने के बाद कि अगर वो अपने बालों को स्टाइल कर रहे हैं तो उनके बाल स्ट्रेट होते जा रहे हैं नेचुरली, अपने आप ही सीधे हो रहे हैं क्योंकि इतने ज़्यादा सिल्की सॉफ्ट हो गए. सो आई थॉट चलो ट्राई कर लेते हैं इसको. तो या ये डव ब्यूटिफुल कर्ल्स डीप मॉइस्चर मिरेकल. वैसे तो ये रेंज जो है कर्ली बालों के लिए है बट मेरे बाल कर्ली एंड वेवी टेक्सचर में ही है, स्ट्रेट नहीं है मेरे बाल. तो या आई थॉट चलो ट्राई कर लेती हूँ ताकि मेरे बाल सॉफ्ट हो जाए इस फेस्टिव सीज़न में. अभी तक मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया, ओपन करके भी नहीं देखा, कल इसको यूज़ करूँगी क्योंकि कल मुझे बालों को धोना है, ठीक है. इसका शैम्पू कंडीशनर, शैम्पू भी मैंने परचेज़ किया है, शैम्पू या कंडीशनर नहीं बिकॉज मास्क परचेज़ किया तो कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है. और उसी के साथ मैंने लिया है इसका ये चीज़, लेट मी शो यू. सो दिस इज डव ब्यूटिफुल कर्ल्स डिफाइनिंग जेल फॉर डिफाइंड कर्ल्स दैट लास्ट अप टू 48 hours. अच्छा, जैसे मैंने बोला मेरे बाल इतने ज़्यादा कर्ली नहीं है बट वेवी टेक्सचर है, तो गीले बालों में लगाने के लिए जेल है और बस मुझे ट्राई करना था इसलिए मैंने इसको परचेज कर लिया. सो मैंने सोचा पूरी रेंज ट्राई करके देखती हूँ, है ना. सो यू कैन सी इस तरह की ट्रांसपेरेंट बॉटल में ये जेल मुझे मिली है. सो इसको आपको गीले बालों में अप्लाई करना है, तो इसको यूज़ करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. और फॉर 449 इसकी MRP थी, 100 ml प्रोडक्ट है इसमें. ओके, अब बात करते हैं टीरा की. टीरा के जो प्रोडक्ट्स मैंने परचेज किए थे ना वो मुझे मिल ही नहीं रहे हैं. लिप टिंट्स
रोमेंड के, बहुत ना आई थिंक वो सिर्फ टीरा के ऊपर ही अवेलेबल था, मुझे नायका के ऊपर अवेलेबल नहीं मिला वो कॉम्बो। मैं ना यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी वीडियो। तो उसमें तीन लिप्टिंट्स आपको मिलते हैं, एक कूल यू नो लिप्टिंट की कॉम्बो है, एक वॉर्म लिप्टिंट का कॉम्बो है। आई गेस मैंने कूल वाला लिया था जिसमें बहुत ब्यूटीफुल थ्री डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आपको मिल जाएंगे एंड आई जस्ट लव दैम। ठीक है, रोमेंड के लिप्टिंट्स वैसे बहुत महंगे हैं, इंडिविजुअल 1800-1700 ऐसे मिलते हैं, लेकिन मुझे वो 1300 का तीनों का कॉम्बो मिल गया क्योंकि टीरा के ऊपर ना आपको काफ़ी अच्छे कूपन्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो या फिर टीरा से मैंने ये चीज़ भी परचेज़ की है, दिस ये टीरा के ऊपर ही मुझे मिला, ये कोरियन ब्रांड है। टीरा के ऊपर आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोरियन ब्रांड्स मिल जाएंगे, यू नो कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स में। सो दिस इज़ ग्रीन फुल क्लेंजिंग ऑयल फ्रॉम दिस ब्रांड बी प्लेन, यू कैन सी दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है, और ये काफ़ी अफोर्डेबल मुझे मिल गया, लाइक 1850 इसकी MRP थी, लेकिन जैसे मैंने बताया अगर आप फर्स्ट टाइम शॉपिंग करते हो तो आपको 3-4 कूपन्स मिलते हैं, तो वो कूपन जब आप यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलता है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, यू कैन सी। इसको मैंने ऑलरेडी 2-3 बार यूज़ कर लिया है एंड दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट, बिल्कुल आपके मेकअप को रिमूव कर देता है, मेल्ट कर देता है एंड आपकी फेस के ऊपर कोई ऑयली रेजिड्यू नहीं रहता इसका। ठीक है, ग्रीन फुल क्लेंजिंग ऑयल प्यूरिफाई एंड मॉइस्चराइज। ये जो ग्रीन मूंग दाल होती है ना, सो बेसिकली ये उन वो प्रोडक्ट्स हैं उसके, उससे बने हुए प्रोडक्ट्स हैं। तो इनकी कंप्लीट रेंज भी आती है, बट मैंने ये क्लेंजिंग ऑयल ही लिया था, सो बट काफ़ी अच्छा लगा मुझे, एक कोरियन ब्रांड है ये बी प्लेन। ओके जी, उसके बाद हम बात करते हैं अब सिफोरा के ब्रांड की, लाइक सिफोरा की या माई ब्यूटी पावर। सिफोरा के बॉक्स की मैंने ऑनलाइन परचेजिंग की है, नाव करके सिफोरा की ऐप है वहाँ से। तो मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर देखा था कि नार्स ऑफिशियली अब आ रहा है इंडिया में सिफोरा पे, तो सिफोरा मैं गई तो नहीं लेकिन उनकी ऐप के ऊपर अवेलेबल था, तो मैंने फर्स्ट डे ऑर्डर परचेज कर दिया, डाल दिया। सबसे पहले नार्स से पहले मैं दिखाऊंगी न्यूड स्टिक्स के दो प्रोडक्ट्स जो मैंने परचेज किए हैं। ठीक है, एक तो मैंने गलती से परचेज़ कर लिया, मतलब मुझे लगा था कि ये बहुत बड़ी बड़ी ट्यूब्स में आएगा, लेकिन ये ट्रेवल साइज़ में मिला मुझे। इसमें तीन चीज़ें हैं, मॉइस्चराइज़र, माइक्रोपील एंड फेस क्लेंजर, माइक्रोपील एंड मॉइस्चराइज़र। अच्छा ट्रेवल साइज़ कॉम्बो है, बट मुझे ज़रूरत नहीं थी। मैंने सोचा 1450 ये कॉस्ट पड़ा मेरे को, 1450 का। मुझे लगा था कि ये 3-स्टेप रूटीन बिग साइज़ में आएगी, फुल साइज़ में, बट ये ट्रेवल साइज़ में आई, सो इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। उसके बाद फिर मैंने लिया न्यूड स्टिक्स का ये ब्लश, ये काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के ऊपर था। दिस इज़ नॉट अ ब्लश, दिस इज़ लाइक अ ब्लूम फेस लिप आई प्रोडक्ट इन दी शेड क्रिम्सन लवर। सो या यू कैन सी दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, इस तरह की पैकेजिंग में न्यूड स्टिक्स के प्रोडक्ट्स आते हैं एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, यू कैन सी। ठीक है, और इसमें ना आपको मिरर भी मिल जाएगा, मतलब इजीली आप टचअप्स कर सकते हो, कुछ भी देख सकते हो एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। एंड ये शेड काफ़ी ब्यूटीफुल लगा मुझे, सी दिस इज़ द शेड क्रिम्सन लवर, सी इसको आप हाइलाइटर, यू नो चीक ब्लश, इट मेल्ट्स इंटू योर स्किन, यू कैन सी। ये ना बहुत ही यूनिक सा प्रोडक्ट लगा मुझे, यूनिक। यू नो डस्क के स्किन टोन के ऊपर काफी अच्छा लगेगा ये क्रिम्सन लवर, या इसको लिप्स के ऊपर लगाओ, आईज के ऊपर लगाओ, चीक्स के ऊपर लगाओ, यू कैन सी। लिप एंड चीक टेंट है बेसिकली ये, बट इट्स वेरी ड्यू, यू कैन सी इट, सी आई जस्ट लव दिस। और काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के ऊपर मिला था बिकॉज इसका ओरिजिनल प्राइस काफ़ी ज़्यादा है और डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर काफ़ी अच्छे में मिला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिफेंट इन द रूम विथ, या आई एम टॉकिंग अबाउट नार्स। मतलब नार्स के प्रोडक्ट्स ना मुझे रेयर ब्यूटी से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब नार्स एज अ ब्रांड मुझे रेयर ब्यूटी से भी ज़्यादा एक्साइट किया, मुझे इंट्रीक किया इस ब्रांड ने कि मैं इसके इन इस
नार्स के प्रोडक्ट्स को मैंने फर्स्ट डे पे परचेज कर लिया था। रेयर ब्यूटी को मैंने 3-4 दिन लगाए थे सोचने में, मतलब इतनी हाइप थी उसके बावजूद। नार्स की मैंने देखी है कि कोई हाइप नहीं है, स्टिल आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई दिस यू नो ब्रांड स्पेशली। पता नहीं क्यों, क्योंकि नार्स का ना मैंने देखा कि बहुत मतलब हाइप्ड प्रोडक्ट है, लाइक इंटरनेशनल जो है हमारे जो यू नो जो बाहर के इन्फ्लुएंसर्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो बहुत पसंद करते हैं नार्स को। तो बस मैंने परचेज कर लिया। ऑफ कोर्स बहुत महंगे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत महंगे। लाइक मेरा जो टोटल बिल बना था कुछ 18,000 बना था टोटल बिल मेरा नार्स के प्रोडक्ट्स का। तो दिस हॉल इज़ डैम एक्सपेंसिव। या सो या नार्स का सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट रिफ्लेक्टिंग फाउंडेशन के बारे में, जिसको लिटरली मैंने अभी तक खोल के नहीं देखा। एंड मैंने शेड लिया है इसमें मीडियम डीप 2.3 मूरिया। अभी आई हैव नो आइडिया मेरे ऊपर ये शेड कैसे यू नो मैच करेंगे नहीं करेंगे। सो या दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। आई थिंक बहुत ज़्यादा येलोइश ले लिया मैंने, डार्क ले लिया। या क्लियरली काफ़ी डार्क लग रहा है ये। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक नार्स का ये लाइट रिफ्लेक्टिंग फाउंडेशन। एंड ये कॉस्ट किया है मुझे 4,300 रुपीज़ का, कोई डिस्काउंट नहीं था इसके ऊपर। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। इट हैज़ दैट पम्प, थैंक गॉड। मतलब यूजली इंडिया में जितने हाई एंड ब्रांड के फाउंडेशन हैं उनमें पम्प नहीं आता है। सो इसमें पम्प है, बल्कि इसको यूज़ करके पता चलेगा कि कैसा है। बहुत सारे फाउंडेशन हैं नार्स के, तो मैंने ये लाइट रिफ्लेक्टिंग फाउंडेशन लिया। आई थॉट अगर इसकी यू नो कवरेज इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो अगर डार्क या लाइट शेड अगर निकल भी आया, स्टिल आई वुड बी एबल टू यूज़ दैट। तो लेट्स सी कैसे होता है ये। उसके बाद मैंने लिया है नार्स का इसके बीच में मेरे साथ धोखा हो गया। लाइक मुझे लगा ये फुल साइज़ प्रोडक्ट है, और मैं सोच ही रही थी कि इतना सस्ता कैसे हो सकता है। सो दिस इज़ रेडिएंट क्रीमी कंसीलर एंटी क्रीज कंसीलर। या इसके टाइनी साइज़, ये छोटा साइज़ कुछ 1400 समथिंग में मैंने लिया। दिस इज़ इन द शेड जिंजर मीडियम। लेट मी ओपन दिस फर्स्ट। वैसे ये पहली बार हुआ है कि मेकअप प्रोडक्ट्स लेके मैंने उनको अनबॉक्स नहीं किया। यूजली मैं हमेशा यू नो अनबॉक्स कर लेती थी, हॉल वीडियो चाहे बाद में बनाती थी, बट मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसका मतलब ये है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। दिस इज़ कंसीलर, क्रीमी कंसीलर, नार्स का दी मोस्ट वायरल मोस्ट फेमस कंसीलर। कितना छोटा साइज़ है इसका। एंड आई एम ग्लैड कि इसका शेड जो है काफ़ी लाइट मुझे लग रहा है, सो दैट बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि फाउंडेशन मुझे थोड़ा डार्क लग रहा है, सो कंसीलर थोड़ा लाइट है। इसको मैं बिल्कुल स्वॉच नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इसका शेयर करूँगी आप लोगों के साथ जब भी वीडियो बनाऊँगी। सी ठीक है। सो रेडियंट क्रीमी कंसीलर। एंड उसके बाद है मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट, इसको तो मुझे परचेज़ करना ही था। सो अगर आप कौशल ब्यूटी को देखते हो, कौशल ब्यूटी के, तो उनकी वीडियो में मैंने बहुत देखा है उनको ये मस्कारा यूज़ करते हुए। सो दिस इज़ नार्स क्लाइमैक्स ड्रामेटिक वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा इन द शेड एक्सप्लिक्टिक ब्लैक। एंड ये मस्कारा मुझे कॉस्ट किया है 2500 रुपीज़ का, लाइक 2500 रुपीज़ का मस्कारा, यू कैन सी। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, यू कैन सी दिस इज हाउ द वॉन्ट लुक्स लाइक। ओके, आज मैंने फॉल्सेस अप्लाई नहीं किए हैं, कुछ पता नहीं चलेगा बिकॉज ऑलरेडी मस्कारा मैंने लगाया हुआ है। सो या देखेंगे बाकी, यू कैन सी रेड पैकेजिंग ऑलरेडी कितनी ब्यूटीफुल, कितनी अट्रैक्टिव है। ओके, देन आई हैव दीज थ्री प्रोडक्ट्स। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे लिक्विड ब्लश के बारे में। सो दिस इज नार्स का आफ्टर ग्लो लिक्विड ब्लश इन द शेड इनसेटिएबल। यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। नार्स का यू नो वायरल जो ब्लश था वो भी था पाउडर ब्लश,
बट आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई यू नो लिक्विड ब्लश, बिकॉज लिक्विड ब्लश को आप कितनी तरह से यूज़ कर लेते हो एंड आजकल वैसे भी लिक्विड ब्लशेज ज़्यादा इन है. सो या यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सी ब्यूटिफुल हाई एंड ओ ब्यूटिफुल शेड. लेट मी स्वॉच दिस एटलीस्ट. ओके सी दिस इज द ब्लश एंड लुक एट दिस एप्लीकेटर. रियली रियली एक्साइटेड. ओके सी ओके कोई फ्रेग्रेंस नहीं है विच इज गुड. आई थिंक शेड काफ़ी अच्छे से सूट कर जाएगा मेरी स्किन टोन को. सी उसके बाद है मेरे पास नार्स का फेमस लगुना ब्रॉन्जिंग पाउडर एंड लगुना 4 शेड लिया है मैंने. लाइक लगुना ओरिजिनल आता है, लगुना 1, 2, 3, 4. तो मैंने देखो कि अभी सही चूज़ किया है या नहीं किया है इसका. एंड ओ माई गॉड सी लुक एट द पैकेजिंग. You get this full size mirror and of course this bronzer. I wish ये काम करे मेरी स्किन टोन के ऊपर, बहुत लाइट ना हो. सो या लगुना 4 कंप्लीट मैट पैकेजिंग एंड फुल साइज प्रोडक्ट. 11 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट क्वान्टिटी, 3400 rupees. Lastly, I have this product from NARS. This is NARS की powder matte lip pigment. And मैंने shade लिया है American Women. Oh my God, look at the packaging. See, this is shade American Women. Let me swatch this. लाइट है शेड. दिस इज़ अ न्यूड शेड बट आई थिंक मुझे इसके साथ लिप लाइनर यूज करना पड़ेगा. इट्स ओके. आई एम रियली वेरी एक्साइटेड. आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस प्रोडक्ट्स. ओके जी या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. दैट्स इट फॉर दिस हॉल वीडियो. आई होप आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ी सी एंटरटेनिंग रही होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड आई नो थ्रू आउट द वीडियो मेरे गले ने आप लोगों को मेरी आवाज़ ने थोड़ा इरीटेट किया होगा, बिकॉज रात के टाइम पर यूजली हम लोगों की आवाज़ ऐसी हो जाती है. और क्योंकि मैं इतना काम कर रही हूँ, मेरे डेज इतने हेक्टिक हुए पड़े हैं कि मैं थक भी जाती हूँ, उसके बावजूद मैंने सोचा आज मुझे 2 वीडियोज़ तो शूट करनी है. और अभी आई गेस 2:30 बज चुके हैं ऑलरेडी. सो या दैट्स फॉर टुडेज वीडियो. आई विल मीट यू नेक्स्ट मंथ. टिल देन बाय एंड टेक केयर. बाय बाय गाइज. एंजॉय योर फेस्टिविटीज. एंजॉय दिस फेस्टिवल सीजन टू द फुलेस्ट. बाय.